खैरियत से है, साबरी मस्जिद वाले। साबरी मस्जिद नाम है ना, और दुम्बल बोलते हैं इसको जी। अच्छा, शुरू करें। الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں مرا بیل گھاس کھا
खाता नहीं, कर ले इबादत जवानी में, ये सुस्ती अच्छी नहीं, जब आ जाए बुढ़ापा तो फिर कुछ बात बनती नहीं, जब आ जाए बुढ़ापा तो फिर कुछ बात बनती नहीं, किसी खाकी पर मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पर जिसने दी जवानी को, जवानी कर फिदा उस पर जिसने दी जवानी को, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है, आगाह अपनी मौत से, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, दो दिन का ये सफर है, दुनिया बनी जब से लाखों करोड़ आए, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब समाए, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब समाए, कर ले तौबा, कर ले तौबा अभी भी वक्त है, फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है, फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मोहतरम और अजीज नौजवानों, और पर्दे में बैठ कर सुनने वाली मेरी मोहतरम दीनी माओं और बहनों, ज़िंदगी जो है ये बहुत मुख्तसर सी है, ख़त्म हो जाने वाली है। यूँ फरमाया कि ये दुनिया जो है ये दारुल फना है, ये फना का घर है, एक दिन आएगा सब ख़त्म हो जाएगा, न हम रहेंगे, न हमारी फैमिली रहेगी, न हम रहेंगे, न हमारा मकान रहेगा, न सूरत रहेगा, न दुनिया रहेगी। तो फरमाया कि फिर ऐसी दुनिया से क्या दिल लगाना जहाँ न हो हमेशा रहना, ये हमेशा रहने की जगह नहीं है, ये तो वक्ती है, ये तो फ़ानी है। यहाँ से हमारे परदादा गए, उनके अब्बा गए, उनके अब्बा गए, तो अन करीब हम भी चले जाएंगे, हमारी फैमिली भी चली जाएगी, हमारे बच्चे भी चले जाएंगे, तो काम क्या आएगा?
फरमाया जो नेक आमाल किए, जो अल्लाह को राज़ी किया, जो अल्लाह से सुलह की, जो दिल की तार अल्लाह से जोड़ी, जो नमाज़ें पढ़ी, जो कुरान शरीफ की तिलावत की, जो अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से जोड़ने की कोशिश की, फरमाया कि ये काम आएगा। इंग्लैंड में पाउंड डॉलर चलते हैं, अमरीका में डॉलर चलते हैं, फ्रांस में यूरो चलते हैं, सऊदी अरब में रियाल चलते हैं, तो कब्र में अच्छे आमाल चलते हैं। कब्र की करेंसी क्या है? फरमाया कि अच्छे आमाल है। मेरे अजीजों, सारे कब्रस्तान वाले अच्छे आमाल करने के लिए तैयार, तौबा करने के लिए तैयार, अल्लाह की तरफ आने के लिए तैयार, अल्लाह के हो जाने के लिए तैयार, ये फानी दुनिया को दिल से निकाल फेंकने के लिए तैयार, अजान के साथ मस्जिद में आने के लिए तैयार, कुरान शरीफ की तिलावत करने के लिए तैयार, और ये दो कब्र में सोए हुए लोग तहज्जुद, इशराक, चाश, अवाबीन पढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन अब अल्लाह तैयार नहीं है। मेरे और आपके पास मौका है, सांस चल रही है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अल्लाह तैयार है, तो आज हम तैयार नहीं है। जब हमारा इंतकाल हो जाएगा, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर हम चाहेंगे, तड़पेंगे कि कुछ करें अल्लाह के दीन के खातिर। ए काश मैं भी मेरी नबी की नकल उतार के आया होता, अल्लाह को मना करके आया होता, ए काश मेरी औलाद में भी हाफिज आलिम होते जो आज मुझे पढ़ के बख्शते। लेकिन मेरे अजीजों, वहाँ कोई इंसान रोएगा, उसका रोना ख़त्म होगा, पीप के आंसू रोएगा, वो रोना ख़त्म होगा, खून के आंसू रोएगा, वो रोना ख़त्म होगा, जितना मर्जी रो ले, उस वक्त का रोना, उस वक्त का तड़पना और उस वक्त का अफसोस करना काम नहीं आएगा। इसलिए फरमाया कि तड़पना हो तो अभी तड़पे, और रोना हो तो अभी रोए, और अफसोस करना हो तो अभी अफसोस करें। अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, खुदा के दरबार में जो भी आएगा वेलकम पाएगा, मरहबा पाएगा, अहलं व सहला पाएगा, और अपने अल्लाह को और अपने खालिक को और अपने मालिक को और अपने पालनहार को इस्तकबाल करता हुआ पाएगा। एक बुजुर्ग कब्रस्तान में थे, एक शख्स से मुलाकात हुई, तो हजरत ने कब्र की तरफ इशारा किया, कहा बेटा ये कब्र में जो सोए हुए हैं। कहा जी हजरत, अभी ये दुनिया में आ जावे तो क्या करेंगे? हजरत आएंगे ही नहीं। अरे मैं यूं पूछ रहा हूं, अगर ये दुनिया में आ गए तो क्या करेंगे? हजरत आएंगे ही नहीं। बेटा मेरा सवाल कुछ और है, अगर अल्लाह ने इनको मौका दे दिया, इन्होंने मोहलत मांगी, अल्लाह ने कहा चल तुझे एक मौका दे दिया, तो मेरा बेटा बता, अगर अल्लाह ने इन्हें मौका दे दिया फिर ये क्या करेंगे? तो वो तो मुंह भर के कहने लगा, हजरत पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करेंगे, अल्लाह के दीन की मेहनत करेंगे, अल्लाह को नाराज़ करने वाला एक काम नहीं करेंगे, कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे और मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। हजरत वो तो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ये कहकर जब वो खामोश हुआ तो हजरत ने फरमाया, तू बिल्कुल सही कह रहा था कि ये तो आने वाले हैं नहीं, और जो तू कह रहा है ना कि अगर ये आ जावे तो ये सब काम करेंगे, इनके पास तो मौका नहीं है, तेरे पास है, तू कर ले। इनके पास तो मौका नहीं है, तेरे पास है, तू कर ले। थोड़े दिन के बाद तेरे पास भी मौका नहीं रहेगा, उस वक्त तू भी सिर्फ अफसोस करेगा, लेकिन तू ये सब कुछ कर नहीं सकेगा। इसलिए मेरे अजीजों, साबरी मस्जिद वालों, मैं कोई लच्छेदार बयान करने, कोई लच्छेदार तकरीर करने के लिए नहीं आया, बस मेरा जो आने का मकसद है वो इसीलिए है कि मुझे और आपको अपनी पिछली ज़िंदगी पर एहसास हो जाए, मुझे भी एहसास हो जाए कि साकिब तेरे पास भी 30-31 साल थे, अगर तू भी हर रात जो अल्लाह पर फिदा करता तो आज मामला ही कुछ और होता, अगर हर रात अगर हर वक्त इशराक पड़ी होती, चाश पड़ी होती, अव्वाबीन पड़ी होती, रोज़ाना अल्लाह के कुरान की तिलावत की होती, तो आज तो ज़िंदगी में बहार आ गई होती। अभी मैं सुन रहा था, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब
दामत बरका तुम को, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत फरमाने लगे कि 92 से मेरी तहज्जुद नाजा नहीं हुई। ओहो हो, इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े अल्लाह वाले जिन्होंने अपनी जवानी अल्लाह पर फिदा की, पूरी दुनिया में जिनकी क्लिपें चल रही है, जिनके बयान चल रहे हैं, जो अल्लाह को ऐसा मना रहे हैं, जो अल्लाह के सामने रो रहे हैं, अल्लाह के सामने तड़प रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बावजूद मुतमईन नहीं है। अभी और कमा लूं, आखिरत और कमा लूं, आखिरत और कमा लूं, उसी में लगे हुए हैं। 92 से हजरत फरमाते मेरी तहज्जुद नागा नहीं हुई। बीमारी के दिन की अलग बात है, 92 से, और हम बड़े गुनहगार, खताकार, सियाकार, मुजरिम, पापी, ज्यादा नेकियां होती नहीं, जो होती है वो भी गीबत के रास्ते से दूसरे को दे देते हैं, रात सोने से पहले कभी भाभी को दे देते हैं, कभी भाई को दे देते हैं, कभी माँ बाप को दे देते हैं, मस्तूरात कभी देरानी को दे देती है, कभी जेठानी को दे देती है, कभी अड़ोस पड़ोस वालों को दे देती है, बचता तो कुछ नहीं। गीबत करने से नेकियां चली जाती है। फरमाया अल-गीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना, गीबत तो जिना से भी ज्यादा सख्त चीज है। फरमाया गीबत का हाल तो रोमिंग की तरह है, जितना गीबत के करने वाले को गुनाह, इतना ही गीबत के सुनने वाले को गुनाह। एक तो हमारे पास नेकियां है नहीं, उसको भी हम गीबत के रास्ते से दूसरों को दे देते हैं। अल्लाह करे कि हम अपनी जुबान पर ताला लगा दें, हम अपनी जुबान की हिफाजत कर लें। अगर कोई अल्लाह का होना चाहता है, अगर कोई अल्लाह का बनना चाहता है, अगर कोई अल्लाह को राजी करना चाहता है, तो वह आज सुन ले, जुबान के होते हुए गूंगा हो जाए, कान के होते हुए लोगों के बारे में सुनने से बहरा हो जाए, आंख के होते हुए लोगों के बारे में देखने से अंधा हो जाए, आज भी अल्लाह उसे अपना बना लेगा। यूं फरमाया तुम लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जिस तरह सोते वक्त तुम दुनिया वालों से गाफिल हो जाते हो, सोए हुए पता ही नहीं क्या हो रहा है। फरमाया इस तरह लोगों के ऐबों से गाफिल हो जाओ। कौन इंसान है जिसके अंदर ऐब नहीं है? और गीबत करने से कभी भी मसले हल नहीं होते, मसले बिगड़ते हैं, परेशानी आती है। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी जुबान पर कंट्रोल करो। इस जुबान से दिल जीते भी जा सकते हैं और इस जुबान से दिल चीरे भी जा सकते हैं। यूं फरमाया अक्सर लोग इस जुबान की वजह से जहन्नम में जाएंगे। जहन्नम में जाने वाला एक बड़ा तबका वो होगा जो इस जुबान की वजह से जाएगा। एक किताब में लिखा है कि इंसान के अंदर 8000 के करीब ऐब हो सकते हैं, 8000 के करीब ऐब हो सकते हैं। कोई ऐसा अमल है जो इन सारे ऐबों को छुपा ले? फरमाया हाँ हाँ हाँ, वो जुबान की हिफाजत है, वो जुबान की हिफाजत है। इसीलिए फरमाया अगर किसी को समझना हो ना, तो उसे बोलने दो ताकि पता चले दुकान सोने की है या कोयले की है। जब तक खामोश रहता है इंसान बंद रहता है, जैसे ही बोलता है इसके बारे में पता चलता है अंदर क्या भरा हुआ है। इसलिए बड़े खुश नसीब है वो हजरात जो अपनी जुबान पर कंट्रोल करते हैं। हमारा हाल क्या है? हम नेकी तो करते हैं, अरे टंकी में पानी तो आ रहा है, फिर भरता क्यों नहीं है? कि नीचे का नल खुला रख दिया है, पानी आ भी रहा है, नीचे से जा भी रहा है। एक काश अगर नीचे का नल बंद कर दिया जाता तो कतरा कतरा भी आता, एक दिन होता ये टंकी भर जाती। एक तो हमसे ज्यादा नेकियां होती नहीं, न तहज्जुद हो रही है, न इशराक हो रही है, न चाश्त हो रही है, न सही मानों में अवाबीन हो रही है, न कोई नफली काम हो रहा है। एक तो ऑलरेडी हमारे पास नेकियां ही कम है, उसे भी हम गीबत करके दूसरों को दे देते हैं। ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स से मुलाकात हुई, पता चला 91 से हजरत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुम के साथ रहते हैं। मैंने उनसे कहा हजरत का कोई ख़ास अमल बताओ। कहने लगे मौलाना साहब 91 से हजरत के साथ हूँ, ये 91 से अभी तक जो मैंने देखा हजरत का ख़ास अमल वो ये है कि ये 29-30 साल में
उन्होंने न किसी की गीबत की है और न किसी की गीबत सुनी। ओहो, इतनी सब नेकियां ऑलरेडी जमा है, अभी भी देने के लिए तैयार नहीं है, गीबत नहीं। गीबत से कौन से मसले हल हो जाएंगे, किसकी इसलाह हो गई आज तक? और गीबत करने से तो हम ही परेशान हो जाएंगे, हम ही अल्लाह की नजर से गिर जाएंगे, अल्लाह के नबी की नजर से गिर जाएंगे। अगर गीबत करने से मसले हल होते तो आज पूरी दुनिया वालों की इसलाह हो गई होती। गीबत से मसले हल नहीं होते, गीबत से परेशानियां आती है, गीबत से बंदा अल्लाह की नजर से गिरता है, गीबत से बंदा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर से गिरता है। हमारे यहाँ एक साथी है, उनके दो चिल्ले लगे हजरत मौलाना तारिक जमील साहब के साथ। मैंने कहा मौलाना हजरत का कोई खास अमल बताओ। कहने लगे मौलाना दो चिल्ले साथ में लगे, हजरत ने किसी की गीबत नहीं की, किसी के बारे में कोई बात नहीं, अल्लाह उसके रसूल का तस्करा, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह से होने को बोलना, अल्लाह ही करते हैं, अल्लाह ही से होता है, खालिक वही है, मालिक वही है, बादशाह वही है, शहनशाह वही है, सबको अल्लाह से जोड़ते जा रहे हैं, खुद भी अल्लाह से जोड़ रहे हैं। मौलाना दो महीने में उन्हें दो चिल्ले लगे, उन्होंने किसी की गीबत नहीं की और किसी की मजाल नहीं थी कि कोई आके उनके सामने तीसरे आदमी की बात करता। जब खुद बंदा गीबत से बचता है फिर अल्लाह पाक उसे एक रौब अता फरमाते हैं, जिस रौब की बरकत से कोई तीसरा आदमी आकर उसके पास गीबत नहीं कर सकता। हमारे यहां गीबत का दरवाजा खुला हुआ है। तो मैंने सुना अपने कानों से हजरत की जुबानी, हजरत फरमाते 92 से मेरी तहज्जुद नागानी हुई। और एक अजीब बात इरशाद फरमाई, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 85 से अपने मदरसे के तलबा को कह रहे थे, 85 से 85 से मेरी कभी कुरान शरीफ की तिलावत नागानी हुई। इतनी नेकियां हैं उसके बावजूद जमा कर रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, बटोर रहे हैं। आज सुबह में हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकात उनके खादिम से मुलाकात हुई। मैं कहा हजरत के बारे में कुछ बताओ। बोले देखो मौलाना, हजरत है ना 10-11 के बीच में सो जाते। अच्छा, फिर सफर में हो या हजर में, हजरत 3 बजे मुसल्ले पर होते, 3 बजे मुसल्ले पर। वो पूरी जवानी लगा दी यार, पूरी जिंदगी लगा दी, अपने वतन को छोड़ दिया, दाभेल को अपना वतन बना लिया। आज 55 साल के करीब हो गए उनको पढ़ाते पढ़ाते, पढ़ने का पढ़ाने का, अल्लाह के दीन की मेहनत, उसके बावजूद वो बंदा 3 बजे से मुसल्ले पर खड़ा है। और हमारे पास नेकियां नहीं है और फजर भी जा रही है। ऐसा लगता है शायद हमें मरना ही ना हो, अल्लाह के पास जाना ही ना हो, ये दुनिया तो कोई खेल तमाशा है, हम तो ऐसा समझ रहे। ना ना ना, ये हकीकत है, मौत आने वाली है। फरमाया मौत बरहक है मगर कफन के मिलने में शक है। हो सकता है ऐसी जगह इंतकाल हो जहां कफन न मिले, लेकिन मौत तो बरहक है, वो तो आने वाली है। मुझे भी इस दुनिया से जाना है, आपको भी जाना है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना गे, आखिर मौत है। इसलिए तय करो कि इंशाअल्लाह हम भी वक्त की कदर करेंगे। मेरे एक दोस्त, उन्होंने हजरत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातहू के साथ कुछ वक्त पहले कनाडा का सफर किया। मैंने कहा यार क्या देखा हजरत के बारे में, मुझे उन्होंने तस्वीर बताई। मौलाना क्या बताऊं इस बंदे के बारे में, देखो तो सही, ये एयरपोर्ट पर थोड़ा सा वक्त मिला है ना उसमें ये कुरान पढ़ रहे, और आगे गए थोड़ा सा वक्त मिला तो ये कुरान पढ़ रहे, उनकी बैग में अल्लाह का कुरान मौजूद है। ओ ये अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे। और जितने दिन मैं साथ में रहा 75-80 रकात के करीब तो रोजाना नफल पढ़ते थे वो बोले। और मौलाना इतना रोते थे अल्लाह को मनाने के लिए जितना शायद एक छोटा बच्चा अपनी माँ के सामने नहीं रोता होगा। क्या बात है, अपनी मौत याद है,
अपनी कब्र याद है, ये दुनिया फानी है ये याद है, आखिरत की मंजिल याद है, और ये आखिरत का जो सफ़र है लंबा सफ़र है ये याद है। हिसाब कोई दुनिया के आदमी को नहीं देना है, अपने अल्लाह को देना है, अपने खालिक को देना है, वो याद है। ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, दोबारा नहीं मिलने वाली, याद है। जो वक्त चला जाए वो लौट के आने वाला नहीं है, ये याद है। इसीलिए हर दिन, इसीलिए फरमाया हर दिन को ज़िंदगी का आखिरी दिन समझ के गुजारो, हर नमाज को ज़िंदगी की आखिरी नमाज समझ के पढ़ो, हर नेक अमल को ज़िंदगी का आखिरी नेक अमल समझ के करो। हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी बयान हो सकता है आपको सुनने का आखिरी मौका मिला हो, ताकि शैतान को ये मौका ना मिले बाद में तौबा करेंगे, बाद में, बाद में, बाद में, बाद में, बाद में, बाद करते करते कईयों के जनाजे उड़ गए और उनको तौबा का मौका न मिला। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे पड़े हैं जो यूं कहते थे कि हम बुढ़ापे में तौबा करेंगे, बुढ़ापा आया ही नहीं, जवानी में मौत ने उन्हें आ पकड़ा और अपने अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे कई दोस्त लोग हैं जो जवानी में उनका इंतकाल हो गया। हमारे यहाँ एक मौलाना थे, उन्होंने एक बंगला बनाया, शानदार बंगला, 35 साल की उम्र, 3 छोटी छोटी बच्चियां सुबह मदरसे में पढ़ाने के लिए आए तो गांव में दोपहर में 12 बजे दस्तरखान लग जाता है, लोग खाना खा लेते हैं, बीवी ने खाना तैयार किया और दस्तरखान लगा दिया कि अभी मेरे शोहर आएंगे रोज़ाना की तरह और हम लोग साथ बैठ के खाना खाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, थोड़ी देर में 11:30 के करीब छुट्टी हो रही थी, हजरत अपनी क्लास से उठ रहे थे, उठने से पहले अचानक कुछ तकलीफ़ हुई और अचानक ही इंतकाल हो गया। ऐन जवानी में अल्लाह को प्यारे हो गए, इतना बड़ा बंगला बनाया, खुद बंगले में न रह सके। ओहो, बीवी को क्या मालूम था आज मेरे शौहर खाने नहीं आएंगे, आज उनका जनाजा आएगा, उनका जनाजा आया घर में, गुसल वगैरह दिया गया, कफन पहनाया गया और उनको घर के हॉल में रखा गया। उनकी एक छोटी सी बच्ची थी तकरीबन 2-2.5 साल की, उसको अपने अब्बू से बड़ा प्यार था, बड़ा लगाव था, तो जब उसने अपने बाप को कफन में सोया हुआ देखा तो उसने गुजराती में कहा, अवे तो पप्पा ने जो इन्हें बीक लागे, अब तो अब्बा को देख के डर लग रही है, अब तो अब्बा को देख के डर लग रही है कफन में। आ हा हा, ये दुनिया है, आज 3-4 साल से कब्रिस्तान में सोए हुए उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे मौजूद हैं। हाँ, हमारे एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार, उन्होंने बंगला बनाया, 1 साल उस बंगले में न रह सके। हम कहाँ जा रहे हैं, किस दुनिया से दिल लगा रहे हैं, किस दुनिया की वजह से अपने अल्लाह को नाराज कर रहे हैं और किस दोस्तों की वजह से अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं, और ऐसा हमें अल्लाह के नबी के अलावा कौन पसंद आ गया कि हमें हमारे नबी के तरीके अच्छे नहीं लगते, गैरों के, हीरो के और क्रिकेटरों के तरीके अच्छे लग रहे हैं और हम अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। दुनिया भी बर्बाद हो रही है, आखिरत भी बर्बाद हो रही है। मेरे अजीजों, आओ आओ अल्लाह की तरफ आओ, अरे लौट के आओ अल्लाह की तरफ आओ। अल्लाह बड़े करीम है, बड़े रहीम है, माफ़ करके खुश हो जाते हैं, माफ़ी मांगने वाले को पसंद करते हैं। खुदा के यहाँ माफ़ी मांगने वालों का बड़ा ऊँचा मकाम। इसलिए एक बात तय करो कि आज तक जो जिंदगी गुजरी सो गुजरी, उस पर तो इस्तिग़फ़ार करेंगे, लेकिन अभी जो हमारे पास वक्त है, आइंदा का तो पता नहीं है हमें वक्त मिलने वाला है या नहीं, अभी जो वक्त है उसकी कदर करेंगे इंशाअल्लाह, एक एक मिनट को वसूल करेंगे, एक एक सेकंड को वसूल करेंगे। अल्लाह वालों ने अपने वक्तों को कैसे वसूल किया, ज़रा सुनो, एक बुज़ुर्ग का नाम आपने सुना होगा, अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे। पहले ज़माने में क्या होता था, ये दरख्त की जो लकड़ी होती थी ना, इसकी कलम बनती थी, उसको थोड़ा सा ऐसे चक्कू से छीलते थे और उसकी कलम तैयार होती थी, उसको स्याही में डुबोते थे फिर लिखते थे, कभी वो कलम टूट जाए तो दूसरी लकड़ी को फिर उसको छीलते थे और उससे वापस लिखते थे। अभी के ज़माने की तरह कलम तो थी नहीं, रोशनी तो थी नहीं, स्याही तो थी नहीं, वो अलग अंदाज की स्याही होती थी। हमें भी लिखने का मौका मिला दवात और कलम, अल्लाह अकबर कबीरा, पुराने ज़माने की याद ताज़ा हो जाती थी। इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े अल्लाह वाले, वो खुद फरमाते हैं कि मैं हदीस शरीफ लिखता था,
और जब मेरी कलम टूट जाती तो मैं तीसरा कलमा पढ़ना शुरू कर देता, सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। फरमाते कि मैं जो है ना तीसरा कलमा पढ़ना शुरू कर देता था। कब तक पढ़ता था? का जब तक दूसरी कलम में तैयार कर लेता था, यूं मैं अपने वक्त को अल्लाह के जिक्र में मशगूल कर देता था। ओहो हो, हदीस शरीफ लिख रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इतना वक्त, एक कलम टूटी है, दूसरी कलम बना रहे हैं, इस वक्त को यूं वसूल करते हैं। फिर मेरे अजीजों, खुदा के यहां उनका बड़ा ऊंचा मकाम होता है। इब्ने अबू कैस रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, फरमाते हैं कि एक शख्स मेरे पास आया, मुझे आकर कहने लगा, हजरत थोड़ा सा आपका वक्त चाहिए। हजरत ने कहा, सूरज रोक ले, जितनी देर सूरज को रोक लेगा इतनी देर वक्त दे दूंगा। वो समझ गया सूरज रुकने वाला नहीं और हजरत मुझे वक्त देने वाले नहीं, यानी हजरत के पास फजूल बात के लिए और लायानी चीजों के लिए हजरत के पास वक्त नहीं है। एक और वाकया सुने वक्त की कदर करने वाले, आपने नाम सुना होगा इब्ने मुखल्लद रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है इब्ने मुखल्लद रहमतुल्लाह अलैह, उंदुलुस के रहने वाले थे, ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे। इनको पता चला कि इमाम मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह बगदाद में रहते हैं, इन्होंने उंदलुस से सफ़र किया और बड़ी मशक्क़त के साथ, बड़े हालात के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ ये बगदाद आए। अल्लाहु अकबर, इनका तो दिल ही टूट गया। जब बगदाद आए ना तो पता चला कि इमाम मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह को नज़र कैद कर दिया गया है, यानी आप किसी से मिल भी नहीं सकते, किसी से बात भी नहीं कर सकते। इन्होंने किराए पर कमरा लिया, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, मैं तो हदीस शरीफ का इल्म हासिल करने के लिए आया था, रब्बे करीम अब मैं क्या करूं। अल्लाह ने इनके जहन में एक तरकीब डाली, इन्होंने अपनी पेशानी पर एक पट्टी बांधी, अपने पैर पर एक पट्टी बांधी, एक हाथ में लाठी ली और एक हाथ में कशकोल को लिया, फकीराना शक्ल इख्तियार की। चलते चलते इमाम मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के मकान पर पहुंचे और आवाज दी, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। पहले जमाने में फकीर ये दुआ दिया करते थे, अरे तुम हमें कुछ दे दो, तुम्हारा अजर अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह तुम्हें देगा, तुम हमें कुछ न कुछ दो। तो उन्होंने आवाज लगाई इब्ने मुखल्लद रहमतुल्लाहि अलैह ने, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। इमाम मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि बाहर आए और कुछ पैसे उनकी कशकोल में डालने लगे। तो इन्होंने कहा, हजरत मेरी बात सुने, मैं दिरहम और दनानीर का तालिब नहीं हूँ, मैं उंदलुस से आपके पास हदीस शरीफ का इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ। का बेटा, आपको मालूम तो है कि मुझे हुकूमत ने नज़र कैद कर रखा है, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता और मैं आपसे बात नहीं कर सकता, वरना मुझे बड़ी सख्त सज़ा मिलेगी। तो ये कहने लगे, हजरत आप ऐसा ना करें, जितनी देर आप पैसा डालने के लिए आते हैं, रोज़ाना मैं आपके दर पर फ़कीर बन के आ जाया करूँगा, भिखारी बन के आ जाया करूँगा। जितनी देर में आप पैसा डालते हैं, इतनी देर में आप कोई हदीस शरीफ सुना देना, इब्ने मुखल्लद उसको याद कर लेगा, मैं उसको रटूँगा, मैं उसको याद करूँगा। किताब में लिखा है, एक साल तक किराए का कमरा लिया, किराए के मकान पर कमरा लिया और फकीराना शान को इख्तियार किया, एक हाथ में लाठी है, दूसरे हाथ में कशकोल है और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाही के घर के पास जा रहे, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। हजरत बाहर आते, हदीस शरीफ सुना देते, ये फिर लौट करके अपने कमरे में आ जाते। दुनिया दुनिया वाले, बगदाद वाले, बगदाद की गलियों वाले इन्हें भिखारी समझते थे, किसी को क्या पता था ये दिरहम और दनानीर लेने नहीं आ रहे,
ये तो नबी की हदीस सुनने के लिए आ रहे हैं, इन्हें तो हदीस से प्यार है। मेरे अजीजों, यूं हमारे मशाइख ने इल्म हासिल किया और अपने वक्त की कदर की, तब जाके अल्लाह ने उन्हें कहां से कहां पहुंचाया। मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप भी वक्त की कदर करें। आज हमारे यहाँ फजाइल अमल की तालीम होती है, बैठे बिठाए 10-15 मिनट में 3-4 हदीसें हमारे सामने आ जाती है, लेकिन आज हमारे पास तालीम में बैठने के लिए वक्त नहीं, अपने घर में फजाइल अमल की तालीम करने के लिए वक्त नहीं। ओ मेरी दीनी माओ बहनों, अपने घर में फजाइल अमल की तालीम करो, अपने वक्त को वसूल करो और अपने घर के अंदर दीनदारी वाला माहौल कायम हो, इसकी कोशिश करो। एक और वाकया सुनाकर आखिर में एक बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एक खास शागिर्द गुजरे, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। इनका वक्त भी बहुत मशगूल था। मैं आपको ये इंसानों की बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ ताकि मुझे भी एहसास हो और आपको भी एहसास हो कि हम भी बहुत कुछ कर सकते थे और अभी भी वक्त गया नहीं है। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, पिछले पर माफ़ी मांगे और हम भी तौबा करके अभी मैं और आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने वक्त को वसूल कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के पास दूसरी बस्ती वाले आए और कहने लगे, हजरत बोले जी हमारी बस्ती में भी दर्स दे दिया करो, हमारी बस्ती वाले भी आपका दर्स सुनने के लिए और आपकी ज़ुबान मुबारक से दीन की बातें सुनने के लिए हमारी बस्ती वाले भी प्यासे हैं। हज़रत ने फरमाया कि मैं तो मशगूल इंसान हूँ और मेरे पास तो वक्त नहीं है, वरना मैं दे देता। उन्होंने कहा, हज़रत आप फिक्र न करें, हम आपके लिए एक सवारी का इंतज़ाम करते हैं, आपको चलकर नहीं आना, सवारी पर आना, सवारी पर चले जाना, इसमें जो थोड़ा वक्त बच जाता है उसमें आप हमारे यहाँ दर्स दे दिया करें। हज़रत के पास एक वक्त बचा हुआ था, वो भी उस बस्ती वाले को दे दिया। अल्लाह की पहचान करवाते, अल्लाह का ताबुक सुनाते, कुरान की आयत पढ़ के सुनाते, हदीस शरीफ सुनाते। इतने में एक शागिर्द आया, हजरत बड़ी माजरत से एक बात अर्ज करनी है। कहा, जी बेटा मुझे आपसे ये किताब पढ़नी है, पढ़ा दीजिए, मेहरबानी होगी। कहा, बेटा मेरे पास तो वक्त कोई नहीं, वरना मैं तुझे पढ़ा देता, तुझे कभी मना नहीं करता, बेटा मेरे पास वक्त नहीं है। उसने कहा, हजरत मैं देखता हूँ कि आप सवारी पर दूसरी बस्ती में जाते हैं, आपको अल्लाह का वास्ता, आप सवारी पर सवार रहें, मैं आपकी सवारी के साथ चलता रहूँगा, आप मुझे किताब पढ़ा देना, आते जाते मेरी किताब हो जाएगी। जब हजरत ने उसकी ये तलब देखी और तड़प देखी, हजरत ने इजाज़त दे दी। अल्लाह अकबर, क्या वक्त को वसूल करने वाले लोग थे, यहाँ भी दर्स दे रहे, वहाँ भी दर्स दे रहे और चलते हुए उस तालिब इल्म को पढ़ा रहे। मेरे अजीजों, जो वक्त की कदर करता है दुनिया उसकी कदर करती है। हम लोग चाहते हैं हमारे अच्छे दिन आ जाए, यूं फरमाया कि जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त हो उसके अच्छे दिन आ जाते हैं, और जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त ना हो उसके अच्छे दिन नहीं आते। सूरत के एक ताजिर से मुलाकात हुई, मुझे कहने लगे, मौलाना 38 साल हो गए, 38 ईयर्स हो गए, 1000 मरतबा दुरूद शरीफ, 1000 मरतबा इस्तिगफार पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 38 साल हो गए, कभी नागा नहीं हुए। इतने बड़े ताजिर, इतने मशगूल इंसान, उनके पास 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए, 1000 मरतबा इस्तिगफार करने के लिए उनके पास वक्त है। मुझे कहने लगे, मौलाना साहब 32 साल पहले अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा था, उस वक्त सुना था 3 तस्बीह पढ़नी चाहिए, 32 साल हुए आज तक मेरी 3 तस्बीह नागा नहीं हुई। फिर मैंने कहा, आप तो बहुत मशगूल है, आपकी मीटिंग होती रहती है, आपके मशवरे होते रहते हैं। कहा, हाँ हाँ मौलाना, अल्लाह के कुरान के लिए पहला वक्त, तस्बीह के लिए पहला वक्त, बाद में मीटिंग, बाद में अखबार, पहले अल्लाह का कुरान, पहले सच्ची खबरें पढूं या झूठी खबरें पढूं। मुझे कहने लगे, कुरान में सब सच्ची खबरें हैं, पहले मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूं। मैंने कहा, कितना पढ़ते हो? कहा, देखो मौलाना मेरे घर पे जो कुरान पढ़ता हूं उसकी निशानी अलग है, और मेरी ऑफिस पे जो कुरान पढ़ता हूं उसकी निशानी अलग है। रोज़ाना घर पर कुरान पढ़ना और रोज़ाना ऑफिस पर जाकर भी कुरान पढ़ना। फिर कहने लगे, मौलाना कई वक्त हो गया, रोज़ाना 30 रुपये सदका निकालता हूँ,
अच्छा क्या नियत से निकालते हो? का 10 रुपये मेरे घरवाले की तरफ से, 10 रुपये मेमन जमात की तरफ से, वो मेमन बिरादरी से, और 10 रुपये का पूरी उम्मत की तरफ से, 30 रुपये सदका निकालता हूँ कई वक्त से मामूल। अल्लाह अकबर, आज अल्लाह ने उन्हें इतना नवाज दिया कि आज अल्लाह ने उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मेरे अजीजों, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े ताजिर जिनके बड़े बड़े बंगले हैं, मर्सिडीज वगैरह चला रहे हैं, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, उनके पास भी अल्लाह के लिए वक्त है, तो उनके पास सुकून है, इत्मीनान है, अमनो अमान है। मेरे और आपके पास अगर अल्लाह के लिए वक्त नहीं होगा, मेरे अजीजों, बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ये 24 घंटे कम पड़ेंगे। इसलिए साबरी मस्जिद वालों, मैं अपने आप से भी कहना चाहता हूँ, आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, हम लोग ये तय करें कि इंशाल्लाह वक्त की कदर करेंगे। यूं फरमाया, गनीमत समझ जिंदगी की ये बहार, यूं फरमाया कि गनीमत समझ जिंदगी की ये बहार, के आना न होगा यहाँ बार बार। यहाँ से एक मरतबा चले गए, फिर दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए फरमाया, सांस चल रही है तो ये जहाँ, और रुक गई तो वो जहाँ। एक सांस का फासला है, कब ये सांस रुक जाए, कब मैं और आप अल्लाह को प्यारे हो जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए तय करो कि इंशाल्लाह पिछले गुनाहों पर अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे इंशाल्लाह, और आप जो हैं, हम वक्त को ज़ाय नहीं करेंगे। अपने हाथ में डिजिटल तस्बी भराओ, कम से कम रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, रोज़ाना एक पारा अल्लाह का कुरान पढ़ो। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब फरमाते हैं कि 85 से मेरी कुरान शरीफ की तिलावत नागा नहीं हुई। अरे हम भी नियत करें, हम भी तय करें कि इंशाल्लाह हमारा भी कुरान नहीं छूटेगा, हम रोज़ाना कुरान पढ़ेंगे, हम रोज़ाना अल्लाह का जिक्र करेंगे, हम रोज़ाना दुआ करेंगे, हम नमाजों का एहतमाम करेंगे। अल्लाह मुझे, आपको, हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। मस्तूरात भी आई हुई है, मेरी दीनी माएँ बहनें भी आई हुई है, उनसे भी आजिज कहना चाहता है कि आप जो हैं अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ें, नमाज को टाल टाल करके न पढ़ें। दूसरी बात यह है, अल्लाह का वास्ता, पर्दे का एहतमाम करें, पर्दे का एहतमाम करें। मेरी दीनी माओ बहनों, अपने शोहर की खिदमत करो, जिस औरत से उसका शोहर खुश, उससे उसका अल्लाह भी खुश, और जिस औरत से उसका शोहर नाराज, उससे उसका अल्लाह भी नाराज। मेरी दीनी माओ बहनों, अपने शोहर की खिदमत करो, अपने शोहर के ऐब न देखो, अपने शोहर की खूबियाँ देखो। खाना वजू के साथ बनाओ, अल्लाह के जिक्र के साथ बनाओ, इंशाल्लाह ये शोहर भी आपका हो जाएगा, आपके बच्चे भी आपके फरमा बरदार हो जाएंगे। मियाँ बीवी आपस में मोहब्बतों के साथ रहें, जब मियाँ बीवी एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते हैं तो अल्लाह उन्हें देख करके मुस्कुराते हैं। अक्सर घरों में झगड़े इस सुन्नत पर अमल न करने की वजह से होते हैं। मेरी दीनी माओ बहनों, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जिनके पास औलाद नहीं वो तड़प रहे हैं, और जिनके पास औलाद है वो उन्हें दुनियादार बनाने में, दुनिया की मोहब्बत उनके दिल में बिठाने में, और गैरों के तरीक़े उन्हें अपनाने में, जींस टी शर्ट पहनाने में, उनके अंग्रेज़ी बाल बनवाने में, और अपनी औलाद की दुनिया और आखिरत बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। अल्लाह का वास्ता, ये छोटे छोटे बच्चे, ये हमारे पास अमानत है, ये अल्लाह ने हमें दिए हुए हैं। इनके अंग्रेज़ी बाल न कटवाओ, इनको जींस टी शर्ट न पहनवाओ, इनको गैरुल्लाह से न डराओ, इनको अल्लाह से डराओ, इनको अल्लाह से डराओ। मेरी दीनी माओ बहनों, ये आजिज एक वाकया सुना देता है, ज़रा वो सुन लीजिए। आपने नाम सुना होगा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह का। अल्लाह अकबर कबीरा, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह ने इनके चेहरे पर एक अजीब कशिश अता फरमाई थी, अजीब रौनक अता फरमाई थी। जो भी इनको देखता था, कलीमा पढ़ता था, अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने इनको ये मकाम अता फरमाया था।
एक मर्तबा ऐसा हुआ, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, लोग आपको देखकर कलमा पढ़ रहे हैं। इनकी माँ ने कहा कि बेटा फरीदुद्दीन, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, तेरी माँ का कमाल है। कहने लगे अम्मी जान, आपका कमाल कैसे है? कहा बेटा फरीदुद्दीन, जब तू मेरे पेट में था, जब से हमल ठहरा था, उस वक्त से लेकर आज तक तेरी माँ ने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया। उस वक्त से आज तक तेरी माँ ने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, कैसी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी होगी। कहा बेटा फरीदुद्दीन सुन, जब तू छोटा था ना, तेरी माँ ने तुझे कभी भी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। बेटा फरीदुद्दीन सुन, जब तू दुनिया में नहीं आया था, उसके पहले से तेरी माँ तहज्जुद की पाबंद है, आज भी तेरी माँ तहज्जुद पढ़ती है। जब भी तहज्जुद पढ़ती हूँ, दुआ करती हूँ, ए अल्लाह जो भी मेरे फरीदुद्दीन को देख ले, उसे ईमान की दौलत से मालामाल फरमा दे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ये सारी दास्तान सुनकर हिल गए और समझ गए, वाकईतन मेरी माँ की दुआ है। आज भी अगर माएँ ऐसी हो जाएं, उम्मत को दोबारा बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर जैसे, हजरत बाबा फरीदुद्दीन अत्तार जैसे, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसे, हजरत हसन बसरी जैसे, हजरत उस्मान हारूनी जैसे, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला जैसे, हजरत मुजद्दिद अल्फ़ानी जैसे उम्मत दोबारा देख सकती है। उम्मत दोबारा देख सकती है मक्का मुकर्रमा के इमाम शेख अब्दुर्रहमान सुदैस, आपने नाम सुना होगा, करोड़ों दिलों की धड़कन है। हरम शरीफ में तकरीबन 89 के करीब से, या बल्कि उससे भी पहले से इमाम है, नमा इमाम व खतीब है, तरावी पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं। आप तो इमामुल अइम्मा हैं, बल्कि इमामों की जो सिस्टम है कि कौन कब नमाज पढ़ाएगा, अभी वो इन्हीं के सुपुर्द है। आपका बड़ा ऊंचा मकाम है। एक मर्तबा बात कर रहे थे, एक वाकया सुनाते सुनाते रोने लगे और एकदम दिल जैसा हिल गया हो। कहने लगे कि एक 10 साल का बच्चा था, जरा सुनना, मैं अपनी जुबान में सुना रहा हूं, मेरी दीनी माओ बहनों आप भी सुनना। कहने लगे एक 10 साल का बच्चा था, एक मर्तबा उनके यहाँ मेहमान आए हुए थे, तो वो बच्चा थोड़ा सा शरारत करता था, मस्ती करता था। मेरे अजीजों, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन घर के बड़े शरारत करेंगे, घर के बड़े मस्ती करेंगे? बच्चे घर की चीज़ों को आगे पीछे नहीं करेंगे तो कौन घर में दादा दादी आगे पीछे करेंगे? अरे ये बच्चे हैं, अच्छा है, कुछ खेलेंगे, गिरेंगे, पढ़ेंगे, कूदेंगे, मजबूत बनेंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, वो फरमाने लगे अब्दुर्रहमान सुदेश, शेख अब्दुर्रहमान सुदेश, एक 10 साल का बच्चा था, वो थोड़ा शरारती था, मस्ती ज्यादा करता था। उसके घर में मेहमान आ गए तो उसकी माँ ने दस्तरखान बिछाया और मेहमानों के लिए सालन तैयार किया। जब उसकी माँ सालन तैयार करके लाई और उसको दस्तरखान पर रखा, वो 10 साल के शरारती बच्चे ने मिट्टी उठाई, रेत जो थी वो उठाई और एकदम से सालन में डाल दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हमारे ज़माने की माँ होती तो पता नहीं एक दो थप्पड़ लगा देती कि बेटा मेहमान आए, इतनी मेहनत से तेरी माँ ने सालन तैयार किया और तूने ये क्या कर दिया, पूरा सालन खराब कर दिया। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं कि वो 10 साल के बच्चे ने मिट्टी उठाकर सालन में तो डाल दी, उसकी माँ ने कहा बेटा तूने तो ज़रा सालन ही खराब कर दिया, तेरी माँ ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था, तूने तो बड़ा सालन ही खराब कर दिया। चल कोई बात नहीं, माँ की दुआ लेता चला जा, मैं दुआ करती हूँ, तूने सालन में मिट्टी डाल दी ना, जा इस मौके पर भी तेरी माँ तेरे लिए दुआ करती है, अल्लाह तुझे हरम शरीफ का इमाम बना दे। ये वाकया सुनाकर रोने लगे और कहने लगे वो शरारती बच्चा मैं ही था, वो शरारती बच्चा मैं ही था, मैंने ही सालन में मिट्टी को डाल दिया था। उस वक्त मेरी माँ चाहती तो बद्दुआ दे देती, 2-3 तमाचे लगा देती, आज तो ज़रा औलाद तकलीफ पहुँचाए माँ बाप को, दे धड़ाधड़ बद्दुआ देना शुरू करते हैं। फिर वो औलाद परेशान होती है, उनकी नस्लें परेशान होती है, फिर ये देखकर अम्मी अब्बा भी परेशान हो जाते हैं, इनकी ज़िंदगी भी तलखियों का शिकार
बच्चों की जिंदगी भी तलखियों का शिकार। अरे बच्चों को बददुआ न दो, उनको दुआएं दो, बचपन से अच्छी तरबियत करो, रखो ना उन्हें दीनी मदरसे में, ताकि उनको पता चले माँ बाप का क्या मकाम है। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। माँ बाप इस जहां में सबसे बड़ी है नेमत, सच पूछिए तो ये है दोनों खुदा की रहमत। इसलिए मेरे अजीजो, अल्लाह पाक ने अगर हमें छोटे छोटे बच्चे दिए हुए, उन्हें कफनी पायजामा पहनाओ, उन्हें जुब्बे पहनाओ, उन्हें टोपी पहनाओ, इस्लामी लिबास की मोहब्बत बचपन से डालो, तो ये बड़ा होकर इस्लामी लिबास पहनेगा, वरना सिर्फ जुमा जुमा पहनेगा और इस्लामी लिबास ना होगा, कई गुनाहों में फंसेगा। दाढ़ी कई गुनाहों से बचा लेती है, इस्लामी लिबास कई गुनाहों से बचा लेता है। अरे पुलिस वाले अपनी वर्दी में, मिलिट्री वाले अपनी वर्दी में, होटल के वेटर अपनी वर्दी में, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं स्कूल की वर्दी में। मेरे अजीजों, में और आप भी मुहम्मदी वर्दी में आए, पता तो चले हमारे नबी का दीवाना जा रहा है। ये कौन जा रहा है? जिसको नबी का चेहरा पसंद है ये वो जा रहा है। ये कौन जा रहा है? जिसको नबी का लिबास पसंद है ये वो जा रहा है। ये कौन जा रहा है? जिसे गैरों के तरीके पसंद ना आए ये वो जा रहा है। अरे हमारे अखलाक ऐसे हो, लोग हमें देख करके यूं कहे कि जब उम्मती का ये आलम है तो ताजदार मदीना का क्या आलम होगा। मेरे अजीजों, इस दीवाने की बात सुनो, मुझे और आपको दुनिया से जाना है। ये दुनिया हमें बज़ाहिर सरसब्ज़ और शादाब लग रही है, ये दुनिया खूबसूरत लग रही है, ये दुनिया मुझे और आपको जवान लग रही है। अल्लाह वालों को पूछो, ये दुनिया अल्लाह वालों को बड़ी बूढ़ी लगती है, बड़ी बदसूरत लगती है। एक छोटी सी एक बात सुनाकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बादशाह के पास एक शख्स आया, आकर कहने लगा,